Hello students. In previous video, we have learned about the nighttime sky and we have learned that uh, we can see the moon, stars and planets uh, in the nighttime sky. And we have learned that the planet Venus is the brightest object in the sky after the sun and moon. तो सन एंड मून के बाद सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो स्काई में है दैट इज वीनस एंड वीनस इज नॉट ओनली प्लैनेट वी सी इन द नाइट स्काई मार्स जुपिटर एंड सेटर्न और द अदर प्लान दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई इवन विद अनएडेड आई एंड द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर वेरी फ्रेंट एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप And the first planet that was discovered by using telescope is uh, Saturn. Right? And then uh, we have started the topic stars. And we are discussing about the stars. And <clears throat> we have discussed that. Uh, there are a very large number of stars in our sky, and these are huge spheres of very hot gases having light of their own. So during night time uh, we see large number of stars in our sky. And stars, are, these are spheres of very hot gases. और कैसे स्वेयर है ह्यूज बहुत बड़े स्पेयर है एंड दे हैव दियर ओन लाइट अपनी लाइट होती है इनकी किसी और की लाइट को आ, नहीं रिफ्लेक्ट करते जस्ट लाइक अ मून उनकी अपनी लाइट होती है एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट एंड रियलाइज दैट द सन इज ऑल्सो स्टार सो वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अवर प्रीवियस वीडियो दैट सन इज अ स्टार एंड इट इज द स्टार नियरेस्ट टू दर्थ जो अर्थ है उसके नियरेस्ट है और इस वजह से ये क्या है हमको बड़ा दिखता है बाकी स्टार्स फार अवे बहुत दूर है हमसे बहुत ज्यादा दूर है जिसकी वजह से वो हमको बहुत छोटे नजर आते हैं बट जो सन है दैट इज स्ट टू दर्थ अर्थ के बहुत पास है इसलिए वो हमको बड़ा नजर आता है इट मे कम एज अरप्राइज टू यू बट इट्स ब्राइटनेस इज लेस देन दैट ऑफ मैनी स्टार जो इसकी ब्राइटनेस है वो क्या है कम है बहुत सारे स्टार से कई स्टार इससे भी ज्यादा ब्राइट होते हैं इससे भी ज्यादा हॉट होते हैं और वीनो वी नाउट नो दैट आवर सन इज अ स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस और इसकी ब्राइटनेस कैसी है एवरेज है और ये इससे ज्यादा हॉट स्टार्स भी होते हैं और यू कैन से ज्यादा ब्राइट भी होते हैं और कम ब्राइट स्टार्स भी होते हैं एंड वी हैव ऑल्सो लर्न इन अवर प्रीवियस वीडियो दैट अवर सन शाइन्स विद अ येलोइ व्हाइट लाइट कैसी लाइट होती है इसकी येलोइश व्हाइट लाइट एंड ऑल द स्टार्स आर हावअ नॉट येलो इश वाइट तो सारे स्टार्स येलो इश वाइट नहीं होते हैं तो स्टार्स वेरी करते हैं साइज ब्राइटनेस टेम्परेचर एंड कलर से दैट मीन्स अलग अलग स्टार्स की अलग अलग ब्राइटनेस होती है साइज भी बड़ा छोटा होता है एंड उनका टेम्परेचर एंड कलर भी अलग होते हैं एंड जो हॉटेस्ट स्टार्स है दैट शाइन विदाइटिश ब्लू लाइट एंड लर्न दैट जो हमारा सन है आ, उसकी कैसी है एवरेज ब्राइटनेस है तो ये येलोइश व्हाइट लाइट जो है शाइन करता है बट जो इससे ज्यादा हॉट स्टार्स हैं उनकी कैसी होगी शाइन इट दे शाइन्स विद व्हाइटिश ब्लू लाइट एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फार्दर अवे फ्रॉम अस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस So, जितना हमारा सन का डिस्टेंस है हमारे अर्थ से तो उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है बाकी स्टार्स का जैसे मैंने अभी बताया एंड ऑलमोस्ट ऑल द स्टार्स आर मिलियन ऑफ टाइम्स फॉर्दर तो कितना है मिलियंस ऑफ टाइम फॉर्दर अवे अस जितना की डिस्टेंस हमारा सन से उससे मिलियन टाइम्स जो है दूर है दूसरे स्टार्स तो यू कैन इमेजिन कि कितने दूर होंगे इट इज फॉर दिस रीजन दैट द सन अपीयर्स लाइक अ बॉल टू अस बट दी एज पॉइंट और डॉट दिस ऑलरेडी एक्सप्लेन की वो हमारे नियर है इसकी वजह से वो हमको बड़ा भी दिखता है और लाइक अ बॉल भी दिखता है वेयर एज जो दूसरे स्टार्स है वो जितना डिस्टेंस सन और अर्थ का है उससे मिलियन ऑफ टाइम्स दूर है बाकी स्टार्स तो इसलिए वो हमको कैसे दिखते हैं जस्ट दे अपियर्स लाइक अ पॉइंट और डॉट एंड स्टार्स स्टार एज डिम पॉइंट इन द नाइट स्काई दे दिस इज ड्यू टू देर वेरी लार्ज डिस्टेंसेज फ्रॉम अस वो ज्यादा डिस्टेंस की वजह से वो हमको क्या दिखते हैं डिम पॉइंट की तरह दे डू नॉट डिसअपियर ड्यूरिंग द डे टाइम दे आर प्रेजेंट देयर इन द स्काई ऑल द टाइम तो आप बोलते हैं कि जो मॉर्निंग में जो स्टार्स हैं वो चले जाते हैं बट इट इज नॉट सो वट है वो मॉर्निंग टाइम में डोमिनेट करता है और उसकी जो ब्राइटनेस है उसकी वजह से हमें दूसरे स्टार्स नजर नहीं आते क्योंकि वो भी प्रेजेंट है स्काई में लेकिन वो क्या है पॉइंट की तरह हमको नजर आते लेकिन जब लाइट ज्यादा हो जाती है तो हमको वो नजर नहीं आते सपोज आ, आप मॉर्निंग में बाहर जाते हैं जहां पर सन लाइट पूरी आ रही है वहां पर आप टॉर्च जलाएंगे तो क्या आपको टॉर्च की लाइट नजर आएगी नो no. आपको टॉर्च की लाइट नीचे जो पड़ती है लाइट वो नजर नहीं आएगी वाई बिकॉज सन की ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा है तो जिसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी उसकी वजह से जो दूसरी लाइट्स है वो नजर नहीं आती तो सिमिलरली जो स्टार्स है वो ऑलरेडी प्रेजेंट हमेशा ही प्रेजेंट रहते हैं स्काई में वो कहीं और तो नहीं जाते बिकॉज़ स्टार्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते बट जो सन uh, की ब्राइटनेस है वो नियरेस्ट है हमारे उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है और उसकी लाइट जो है हम तक पहुंचती है और बहुत ज्यादा पहुंचती है सो so, जिसकी वजह से हमें बाकी स्टार्स नजर नहीं आते सो दे आर प्रेजेंट देयर इन द स्काई ऑल द टाइम हमेशा होते हैं हाउ एवर दे आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू सन ब्राइटनेस सन की ब्राइटनेस की वजह से वो हमको नजर नहीं आते सो दिस इज ऑल अबाउट स्टार्स एंड नेक्स्ट इज योर कॉन्स्टलेशन सो